हेलो बच्चों, आज हम अध्याय जल मंडल के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जल मंडल के परिचय पे, पृथ्वी पे जल का वितरण पे और महासागरीय जल की गतियों पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम जल मंडल के परिचय से। बच्चों, जल मंडल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो धरातल पे उपस्थित सभी प्रकार की जलाशयों, यहाँ पे जलाशयों का मतलब है वो स्थान जो कि जल से भरा हो। तो बच्चों, पृथ्वी पे अगर हम जलाशयों की बात करें तो इसके अंतर्गत महासागर, हिमनद, नदी, झील, भूमिगत जल इत्यादि आता है। तो ये जो जल मंडल है वो इन्हीं जलाशयों के समूह है, अर्थात ये सारे जलाशयों के समूह को ही जल मंडल कहा जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है 22 मार्च को भारत में विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि नागरिकों को जल के संरक्षण को लेकर जागरूक किया जा सके। क्योंकि बच्चों, यद्यपि हमारा पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है, अर्थात ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, पर फिर भी हमेशा जो है पृथ्वी पे पानी की जो संकट है वो मंडराते रहती है। और ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बच्चों, आपको अब तक पता चल गया कि जल मंडल किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत जलाशयों में क्या क्या आते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे ये कहूं कि जल के स्थान में परिवर्तन होता है तो क्या आपको आश्चर्य हो रहा है? हाँ बच्चों, ये बात सही है कि जल का जो स्थान है वो परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, बारिश के समय आकाश से वर्षण के रूप में जल पृथ्वी पे गिरती है, तो पहला स्थान तो उसका यहाँ पे परिवर्तित हुआ। पृथ्वी के गिरने के बाद मान लीजिए कि वो किसी गड्ढे में या किसी झील में जमा होती है, तो दूसरा स्थान परिवर्तन तो यहाँ हुआ। फिर वो बहकर अगर किसी नदी में मिलती है तो यहाँ भी स्थान परिवर्तन हुआ। आगे जाके ये नदी महासागर में मिलती है तो यहाँ भी उसका स्थान परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जल के स्थान में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अब शुरू करते हैं जल चक्र से। बच्चों, पृथ्वी पे उपस्थित जल का प्रवाह महासागर अर्थात ओशन, वायुमंडल और स्थल के बीच जो है लगातार होते रहता है, और इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी पे जल का जो चक्रण है वो निरंतर होते रहता है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि पृथ्वी पे जो जल आज है, हो सकता है कि हजारों वर्ष पूर्व वही जल पृथ्वी पे उपस्थित था। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो बच्चों, इसका मुख्य कारण है चक्रण, जो हम जल चक्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपका जल चक्र है। आप अगर इसको देखेंगे तो पृथ्वी पे जो जल होते हैं वो सूर्य की रोशनी के कारण वाष्प बन के ऊपर जाते हैं। यहां आने के बाद वो ठंडा होकर संघनित हो जाते हैं, और बच्चों उसके बाद ये एक बादल का रूप ले लेते हैं। जब बादल इन वर्षा के छोटे छोटे बूंदों से भर जाता है तब वो वर्षण का रूप लेके पृथ्वी पे गिरता है। बच्चों, ये जो वर्षण है वो पृथ्वी पे हिम, ओस, ओले के रूप में गिरते हैं, और जब ये वर्षण के रूप में पृथ्वी पे गिरते हैं तो
तो ये पानी भूमिगत जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि नदी, तालाब, झीलों में जमा हो जाता है और वापस सूर्य की रोशनी के कारण जल वाष्प बन के ऊपर पहुंचता है। तो बच्चों, ये जो क्रिया है ये निरंतर एक चक्र के रूप में चलते रहती है और इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये बताई कि जो वर्षा का जल या जो जल आज आप पृथ्वी पे देख रहे हैं, हो सकता है हजारों वर्ष पहले भी यही जल पृथ्वी पे रहा होगा। तो चलिए, ये थे आपके जल चक्र के बारे में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी पे जल का वितरण पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, लेकिन पृथ्वी पे जो पानी उपलब्ध है उसका 97% भाग जो है खारे पानी के रूप में सागर और महासागरों में मौजूद है। तो बच्चों, जैसा कि हम इस पाई चार्ट में देख रहे हैं, पृथ्वी का लगभग 97% भाग जो है वो खारे पानी के रूप में इन महासागरों में उपलब्ध है, अर्थात हमारे पास सिर्फ बच 3% पानी का भाग। तो बच्चों, इन 3% पानी में से 2% अधिकांशतः बर्फ के रूप में ग्लेशियर और आइसबर्ग में है। तो अब हमारे पास बचा सिर्फ 1%, अर्थात पृथ्वी पे उपलब्ध पानी का 1% भाग जो है वो मनुष्यों के उपयोग के लिए बचता है। इसीलिए तीनों तरफ से महासागरों से घिरे रहने के बावजूद और पृथ्वी की सतह का 71% से भी अधिक भाग पानी के ढकने के बावजूद निरंतर पृथ्वी पे जल की कमी महसूस की जाती है। तो चलिए बच्चों, पृथ्वी पे जल के वितरण को अब थोड़ा सा हम डिटेल में देख ले। पृथ्वी पे जो जलाशय हैं, वो मुख्यतः महासागर, हिमानी, भूमिगत जल, झील, स्थायी समुद्र एवं नमकीन झीलें, वायुमंडल और नदियां होती हैं। बच्चों, महासागरों में लगभग 97.3% पानी का भाग होता है, वहीं पे हिमानी में 2%, भूमिगत जल में 0.68%। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और जो जलाशय हैं, उसमें पानी का कितना प्रतिशत भाग जो है उपस्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पृथ्वी पे जल के वितरण को जारी रखते हैं। बच्चों, प्रति 1000 ग्राम जल में उपलब्ध लवण अर्थात सॉल्ट की मात्रा को ही लवणता कहते हैं। बच्चों, समुद्री जल की अगर हम लवणता की बात करें तो 35 ग्राम प्रति 1000 जल में होता है और महासागरों की सहती जल की लवणता मुख्यतः जो है वाष्पीकरण की दर और वर्षण की मात्रा पे निर्भर करता है। तो बच्चों, ये है विश्व के प्रमुख झील, नदी एवं समुद्र का मैप। आप इसके द्वारा विश्व में उपस्थित प्रमुख समुद्र, झील एवं नदियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एशिया का, तो यहाँ पे प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, गंगा। और अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो वहां की प्रमुख नदी में आता है नाइजर नदी। और अगर हम झील की बात करें तो वहां पे विक्टोरिया झील फेमस है। अगर नदी की ही बात करें तो वहां पे नील नदी भी आता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप इस मैप की सहायता से विश्व में उपस्थित प्रमुख नदी, झील एवं नदियों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे महासागरीय जल की गतियों पे। बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि दूर से देखने पर महासागर का जल जो है शांत एवं स्थिर होता है या स्थिर प्रतीत होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
इनमें निरंतर जो है गतिशीलता बनी रहती है। बच्चों, मुख्यतः महासागरीय जल जो है उनमें तीन प्रकार की गतियां होती हैं। पहला तरंग अर्थात वेव्स, दूसरा ज्वार भाटा अर्थात टाइड्स, और तीसरा आपका है महासागरीय धारा अर्थात ओशियन करेंट। तो बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जल मंडल के परिचय के बारे में जाना या जाना कि जल मंडल किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने पृथ्वी पे जल के वितरण का भी अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने महासागरीय जल की गतियों के बारे में भी जाना, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों अगली वीडियो में हम महासागरीय जल की गतियों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इसके अलावा हम महासागरीय धाराओं पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ महासागरीय धाराओं का प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।